हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी मौजूद है बातचीत के लिए। सर, राहुल गांधी चिंतन शिविर में कहते हैं कि रीजनल पार्टी जो है वो बीजेपी आरएसएस को टक्कर नहीं दे सकती, जो कांग्रेस कर सकती है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ। इस चिंतन शिविर में जो उदयपुर में हमारे राजस्थान में हुआ, ये चिंतन करना चाहिए था राहुल गांधी जी को कि रीजनल पार्टी डेवलप क्यों हुई। सबसे रीजनल बड़ी पार्टी जो साउथ में बनी उसका नाम था तेलुगु देश। कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री बड़े नेता जाते हैं एक हैदराबाद और एक चीफ मिनिस्टर को रुला देते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, तो जनता में वो भाव गया कि हम तेलुगु का अपमान नहीं सहेंगे और एनटी रामाराव खड़ा हो गया, तेलुगु देशम खड़ी हो गई। खड़ी किसने की भाई तेलुगु देशम? ये चिंतन करना चाहिए राहुल गांधी को। तो अगर आप जड़ों में जाओगे नहीं तो उसका निवारण नहीं हो सकता। जड़ में जाए नहीं, ऊपर ऊपर बातें कर रहे हैं। कांग्रेस जनता से कट गई, क्यों कटी, कारण क्या है? आपने भ्रम फैलाया आदिवासियों में कि ये बीजेपी वाले आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने दलित समाज में भ्रम फैलाया, ओबीसी समाज में भ्रम फैलाया। अब जनता जाग चुकी थी, जनता ने लास्ट माइल डिलीवरी के तहत नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर उतरते देखा। उनके मकान बन रहे हैं, बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं, गैस के कनेक्शन हो रहे हैं, फ्री में इलाज हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं अच्छी है, इसलिए मोदी जी के साथ जनता जुड़ी है। आखिरी सवाल की क्या 2024 को देखते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़ेगी और सड़कों पर उतरेगी? वो कुछ भी करें, 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ही दोबारा आने वाली है। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।